नोएडा से द्वारका की लाइन पर सरपट दौड़ती ये मेट्रो एक बड़ी राहत लेकर आई है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस रूट की मेट्रो लेकर ऑफिस जाते थे, क्योंकि अब ऑफिस से भी फरमान जारी हो चुका है ऑफिस आने का, क्योंकि ज्यादातर दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम खत्म हो चुका है। धीरे धीरे लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है और वो लोग जो ऑफिस कैब से 700 से 800 रुपए का किराया देकर जाते थे, उन लोगों के लिए मेट्रो इस रूट पर शुरू होना किसी लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि अब रोजाना की 700 से 800 रुपए का जो खर्चा होता था वो बचेगा। साथ ही डीएमआरसी की तैयारियों की बात करें तो डीएमआरसी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की है। मेट्रो को सैनिटाइज किया जाता है, एक सीट छोड़कर एक सीट पर स्टिकर लगा है जो ये बताता है कि आपको इस सीट पर नहीं बैठना है। आपको ये भी बता दें, लेकिन खाली पड़ी मेट्रो की ये तस्वीर ये भी बयां करती है कि लोगों में अभी भी कोरोना का डर खौफ है, जिसके चलते लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि अभी भी मेट्रो में बहुत गिनी चुनी सवारियां नजर आती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।